हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बता दें आपको, दिल्ली हिंसा का मुद्दा आज संसद में उठेगा। जी हाँ, सीपीएम सांसद ने दिल्ली हिंसा पर चर्चा के लिए नोटिस दिया है। दिल्ली में हिंसा दो दिनों तक चलती रही, 42 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं हिंसा में। तनाव कम हो चुका है कई इलाकों में, लेकिन कल रात फिर से अफवाह उड़ी जिससे दिल्ली डरी। कल शाम की स्थिति हमने आपके सामने रखी, लेकिन पुलिस के तुरंत एक्शन के बाद कोई नुकसान हुआ नहीं है। 23 फरवरी की हिंसा को लेकर पुलिस पर कई सवाल अब भी खड़े हो रहे हैं। आज से बजट सत्र का दूसरा हिस्सा शुरू हो रहा है, यानी कि आसार ये कि दिल्ली हिंसा को लेकर संसद में विपक्ष करेगा हंगामा, क्योंकि दिल्ली हिंसा को लेकर विपक्ष ने सीधे गृह मंत्री को लगातार निशाने पर लिया है। सोनिया गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह चुकी है कि सीधी जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की बनती है। गृह मंत्रालय इस पूरे मामले में फेल कर गया, समझ नहीं पाया कि आखिर किस तरह से दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर को संभाला जाए। तो हमने आपको बताया कि आज जो संसद का दूसरा भाग शुरू हो रहा है बजट सत्र का, उसके हंगामेदार रहने के आसार हैं। तो चलिए अब आपको बता देते हैं कि किस तरीके का रहने वाला है संसद का ये जो दूसरा सत्र शुरू हो रहा है। और हमने इसके लिए आपके लिए तैयार किए हैं शानदार ग्राफिक्स, जिसके जरिए हम आपको बताएंगे कि किन किन मुद्दों पर बहस हो सकती है, किन किन मुद्दों पर हंगामा हो सकता है, विपक्ष किन मुद्दों को लेकर आज तैयारी के साथ उतरने वाला है। ये अब हम आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए रखेंगे ताकि आप समझ सके कि क्यों हम बता रहे हैं आपको कि आज का दिन बेहद अहम है। देखिए, दिल्ली में दंगे हुए, यही सबसे अहम मुद्दा है जिसको लेकर विपक्ष ने पूरी तैयारी कर रखी है, कमर कस ली है कि इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया जाएगा। कानून व्यवस्था पर गृह मंत्री का इस्तीफा भी मांग सकता है विपक्ष, क्योंकि लगातार यह कहा जा रहा है कि जब दंगे हो रहे थे तो गृह मंत्री कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। नागरिकता कानून, जिसको लेकर पूरी यह आग फैली, लोगों ने प्रदर्शन की शुरुआत की और देखते देखते दिल्ली जल उठी, वो एक बड़ा मुद्दा होगा। आर्थिक मंदी पर भी सरकार को घेरा जा सकता है, तो विपक्ष सरकार को घेरेगी और किन किन मुद्दों पर घेरेगी यह हम आपके सामने शानदार ग्राफिक्स के जरिए रख दे रहे हैं। देखिए, विकास दर जो कि गिरा हुआ है इस वक्त, उसको लेकर सरकार पर निशाना साधा जा सकता है, और बीजेपी नेताओं के जो विवादित बयान हैं उसको लेकर भी हंगामा होने के आसार हैं, क्योंकि उसको लेकर लगातार मांग ये उठाई जा रही है कि विवादित बयान देने वाले नेताओं के चलते ही दिल्ली के ऐसे हालात हुए हैं और ये हालात काबू में कर लिए जाते अगर नेता जहर न उगल। मैं शेखर कपूर लेके आ रहा हूँ प्रधानमंत्री सीरीज 2, शनिवार रात 10 बजे।